अब तो DLLB के फॉर्म भी निकल गए हैं, तो अब प्रिपेयर कैसे करना है चलिए उसकी बात कर लेते हैं। हेलो, आई एम आदित्य यादव एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ मिशन एडमिशन सीरीज एंड यू आर वॉचिंग द सोशल इंडियन। और आपको पता है हमने ये मिशन एडमिशन सीरीज लास्ट ईयर चलाई थी और लास्ट ईयर इसके लगभग 20 से 25 एपिसोड्स आए थे। तो आज जब एडमिशन फॉर्म्स हमारे निकलने शुरू हो गए हैं तो हम इस सीरीज को दोबारा से शुरू कर रहे हैं मिशन एडमिशन 2020 के नाम से। और इसकी पहली वीडियो यानी आज की वीडियो है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर DLLB एंट्रेंस एग्जाम। और इस एग्जाम की वीडियो में हम यहां पर आपके लिए ये बताएंगे, सबसे पहले आपसे बात करेंगे 2019 के क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि किसी के फ्यूचर को सुधारने के लिए उसके प्रेजेंट में काम करना पड़ता है और उसके पास्ट को जानना पड़ता है। तो उसके पास्ट को हम जानेंगे 2019 के क्वेश्चन पेपर से। कट ऑफ की हम बात करेंगे कि इस साल कितनी रह सकती है, फिर हम बात करेंगे कब आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि सॉल्यूशंस आपके लिए क्या क्या हो सकते हैं तैयारी करने के लिए। और आखिरी में होगी हमारी एक मास्टर टिप, जिस मास्टर टिप को आपको गांठ बांध कर रख लेना है, चाहे कैसे भी बांध कर रख लेना है, लेकिन वो चीज आपके दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जब पूछते हैं कि आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपको एक सवाल अपने आप से पूछना है कि आपको DLLB एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी क्यों करनी है, आप लॉ क्यों करना चाहते हैं। ये सवाल आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। यहां पर आपके लिए कोई शंका या डाउट का कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके ये सारे सवाल आपके क्लियर है तो आप अगले स्टेप पर जाइए कि कब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए जी, लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। कई लोग होते हैं जो पूरे साल से तैयारी कर रहे होते हैं, कई लोग होते हैं जो इस आखिरी महीने में तैयारी करते हैं। लेकिन आप जब भी तैयारी शुरू कर रहे हो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आपके लिए लगा लीजिए एग्जाम के लिए आपका लगभग 40 या 45 या 50 दिन हम मानकर चल सकते हैं मैक्स टू मैक्स आपके लिए बचे हुए हैं। तो उस एक एक दिन को आप बहुत अच्छे से यूज करें। और अगर आप अभी से भी तैयारी करने लगे हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं 2019 के पेपर के एनालिसिस की बात करूं तो 2019 का पेपर जो है वो बाकी ईयर से लोग कहते हैं कि टफ था और कहते हैं कि पैटर्न चेंज हो गया है, एग्जैक्टली बिल्कुल बदल गया है। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा जी हाँ, पैटर्न बदला था। लास्ट ईयर जो है वो 72 क्वेश्चन यहां पर आपके लिए एक ही टॉपिक से आ गए थे, जो है आपका लीगल GK प्लस लीगल रीजनिंग प्लस पॉलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसी से यहां पर आपके लिए 72 क्वेश्चन आ गए थे। तो जब ऐसा हो जाता है तो बाकी जो सब्जेक्ट है वो बहुत नेग्लिजिबल लगने लगते हैं, लेकिन सभी की तैयारी बराबर रूप से कीजिएगा। हाँ, लीगल को थोड़ा और जोर दीजिएगा और उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। तो उसके लिए सॉल्यूशंस भी हम इस वीडियो में बताएंगे, चिंता मत कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। आगे हम बात करते हैं आपके लिए कट ऑफ्स की। तो इस साल के लिए हम एस्टिमेट लगाकर चल सकते हैं कि 240 से 245 के बीच में कट ऑफ हो सकती है, लेकिन अगर कोई सेफ स्कोर माना जाए तो आप 250 को सेफ स्कोर मान लीजिए और उसके हिसाब से ही तैयारी कीजिए। अब 250 का सेफ स्कोर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको एक सॉल्यूशन मैं यहां पर देने जा रहा हूं। देखिए, हमारे लगातार यहां पर लीगल के बैच चल रहे थे, वहां पर हम लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग और आपकी यहां पर हम पॉलिटी क्लियर कराते हैं साथ में। 10 दिन का ये बढ़िया सा कोर्स है और 10 दिन के कोर्स में आपके ये तीनों ही टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। अगर मैं 2019 के पेपर की बात करूं तो यहां पर 70% ऑफ योर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो इससे पहले हम तीन बैच कर चुके हैं, तीन बैच में अब हमारी जो सीटिंग कैपेसिटी थी, पहले बैच में हमने 20 की रखी थी, फिर हमने 30 की रखी थी और तीसरा बैच कंप्लीट होने के बाद तक हम 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड कर चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि आप भी उस चीज का फायदा उठा पाएं। और जैसे ही कल से फॉर्म आए थे वैसे ही मुझे लगातार कॉल्स और मैसेजेस आने लग गए कि सर नया बैच। तो नया बैच जी रिलीज हो गया है, 24 तारीख से यानी 24th of June से वो स्टार्ट होगा। तो आप 23 तक रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। बाद में प्लीज हमें ये मत कहिएगा, इस बार भी हमें रिक्वेस्ट आई कि सर प्लीज एक्सटेंड कर दीजिए, तो हमने 40 सीट से 50 सीट कर दी थी, इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे इस बार भी। और इस बार अगर आप जल्दी रजिस्ट्रेशन फुल हो जाते हैं तो शायद हम 23 से पहले भी रजिस्ट्रेशन फुल कर दें, तो वहां पर रोक देंगे हम सुविधाएं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जल्दी से वो कंफर्म कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैं सारी की सारी डिटेल्स आपको कोर्स के बारे में दे दूंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, लीगल मैक्सिम कैसे कराते हैं हम लोग, लीगल सॉल्यूशन कैसे कराते हैं, हमारी पढ़ाने की स्टाइल क्या है, वहां पर आपको सभी चीजें देखने को मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएंगी। और इस वीडियो के बाद जब मैं यहां पर बोलना खत्म करूंगा तो यहां पर जो थर्ड बैच है हमारा, जो थर्ड बैच अभी पूरा हुआ है, उसकी मैं कुछ रिव्यू वीडियो जोड़ देता हूं। वैसे तो वहां पर मेरे पास 40 के आसपास वीडियो आई थी, तो 40 के 40 जोड़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहां पर जो है उनकी आधी यानी 20 वीडियो यहां पर जोड़ दी है। और अगर कोशिश करूंगा कि
की पार्ट टू अगर इस वीडियो का निकालूं मैं तो उसमें बाकी 20 वीडियो भी आप लोगों के लिए जोड़ दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर पार्ट टू निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सीट्स जो है वो मेरे हिसाब से पहले ही फुल हो जानी चाहिए। आज भी हो जाए कल भी हो जाए तो मुझे निश्चय या चिंता वाली बात नहीं है। चलिए, उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा था, ये सोल्यूशन हमने आपको बता दिया, अब हम कैसा पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं ये मैं खुद नहीं कहूंगा कुछ भी, ये आपको रिव्यू वीडियोज बता देंगी आपके जैसे ही लोग हैं। अगर आप पिछले 2 वीडियोज हमारी नहीं देखे तो उसमें भी देख लीजिएगा, उन बैचेस के भी लोगों ने यहाँ पर बताया है। चलिए, उसके लिए उसके बाद मैं ये कहना चाहता था, आपको एक मास्टर टिप देना चाहता था, वो ये देना चाहता था, देखिए जी, कहीं से पढ़िए, किसी किताब से पढ़िए, खुद से पढ़िए, कोचिंग से पढ़िए, फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट मैटर करता है कि आप पास होते हो या फेल होते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। अगर आपने बहुत मेहनत की और आप पास नहीं हुए तब भी लोग आपको यही कहेंगे कि देखो जी मेहनत नहीं की, तैयारी नहीं की, लेकिन अगर आपने थोड़ी मेहनत की, स्मार्ट वर्क किया, दिमाग लगाया, सही जगह पहुंचे, सही लोगों से मुलाकात की, सही लोगों से गाइड हुए, तो अगर आपने एंट्रेंस निकाल दिया और आप मान लीजिए दिन में आधा घंटा एक घंटा भी पढ़ते थे तो भी लोग कहेंगे देखिए जी कितनी मेहनत करता था लड़का निकाल ले गया। तो लड़का या लड़की कोई भी यहां पर हो सकता है, आप लोगों से सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा अपने ऊपर भरोसा रखें और जो इस वीडियो में बातें बताई गई हैं उनका ध्यान रखें, और मेरे हिसाब से बाकी सब चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी जैसे जैसे मिशन एडमिशन की नए एपिसोड्स आपके लिए आते जाएंगे। अब ये पहला एपिसोड है तो इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी ये 15 या 17 मिनट की वीडियो हो सकती है, क्योंकि 6 मिनट तो मुझे ही हो गए हैं बोलते हुए और उसके बाद रिव्यू वीडियोस में जोड़ूंगा, तो उनको भी आप देख लीजिएगा, शायद आपको कुछ एक आइडिया मिल जाएगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं, हमारी टीचिंग स्टाइल क्या है या मेथोडोलॉजी क्या है। अगर आप आना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं आना चाहें तब भी यहां पर तो आप स्वागत है ही, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और शेयर तो आप अपनी मर्जी से कर ही देते हैं तो आपके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। 7000 सब्सक्राइबर हम पहुंचने वाले हैं और ये आप सबका प्यार नहीं तो और क्या है। इस वीडियो को यहां पर खत्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में। भारत माता की जय, जय हिंद। Hi, this is Sagrika Sinha and I have enrolled myself for the TSI online classes for legal section. And to be really honest, I had studied the legal section by myself, but I was not that clear. Some of the things were not that clear and I was not that confident, but after attending the online classes, I'm really confident and all the things are pretty much clear. With the help of Aditya sir, I'm doing really well and I recommend everyone to join this online classes, even if you had studied the legal part by yourself or by any other means. It's really beneficial and you should go for it. Thank you. And I am here to share my experience with online classes of Aditya sir. First of all, I would like to thank Aditya sir, जिनसे मैंने online classes ली. उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरीके से समझाया, सारी concept clear कराए. मैंने seriously पहले भी मैंने legal aptitude पढ़ी थी, अब भी पढ़ता हूँ, लेकिन पहले जो doubt थे mostly doubt ही होते थे, लेकिन सर ने वो सारे doubts clear किए हैं. इतनी अच्छी तरीके से सर example समझाते हैं कि आप ऐसा लगता है कि जैसे आप real life में examples देख रहे हो. और सबसे main important बात यही है कि किसी example को लेकर आप किसी concept को याद रखते हो तो वो concept सबसे clear हो जाता है, अच्छी तरीके से याद रहता है आपको. तो मैं तो यही मानूंगा कि मेरे को पर्सनली कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई ऑनलाइन क्लासेस में. सर का चाहे बड़ा कंसेप्ट हो चाहे छोटा कंसेप्ट हो, उसको बार बार दो दो तीन बार रिपीट करके समझाना सर को, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही होता है. जब किसी बात को आप दो दो तीन तीन बार समझते हो, किसी बात तीन बात को कोई आप दो दो तीन तीन बार आपको बताता है तो आप चाहकर भी उस चीज़ को नहीं भूल पाते हो. तो सीरियसली सर, आप जो पढ़ाते हो वो जो आप एग्जांपल देते हो सबसे बेस्ट लगते हैं, सबसे अच्छा लगता है. और सर आपका जो नेचर है वो फ्रेंडली नेचर, वो मेरे को सबसे ऑसम लगा सर, सीरियसली. और जो भी डी यू एल एल बी के एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनसे यही रिकमेंड करूँगा कि आपको ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए. कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि एक बार, मेरे पर्सनली मेरा ये कहना है कि आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको अच्छा ना लगे तो बोलना. थैंक यू सर. थैंक यू आदित्य सर. I'd like to start off by saying thank you, Aditya sir. I think you're a phenomenal teacher. You know just how to teach the teach law. I think it's in you, and the fact that you're so interactive and you include all of us in your examples, and we end up remembering those examples every time. And I think everyone should enroll for your classes. And not only prepare for the DULLB entrance exams, but also get a knack of it and get inside experiences and an insider sneak peek into DULLB through you. And lastly, I'd like to say I hope to see you at the Faculty of Law very soon. Thank you. This is Shikha Jaiswal. I would like to thank Aditya Adav sir because he is teaching very well. Main thing is that concept, जो कि सर बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, और मेरे हिसाब से मुझे बाहर से भी कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही.
So, no suggestions. All good. Thank you. हेलो सर, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी क्लास मेरे को कम्प्लीटली वर्थ लगी है. आपकी क्लास में मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो भी आप लॉ के सेक्शंस जो आप पढ़ाते हो और उससे रिलेटेड जो भी आप जैसे एग्जांपल्स वगैरह देते हो वो काफ़ी अच्छे रहते हैं और याद रखने में काफ़ी हेल्प मिलती है. एंड एट द लास्ट बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आपकी क्लास है वो कम्प्लीटली वर्थ है. Hello everyone, this is Anjali Patan and I would like to thank Social Indian for providing 10-day classes and I hope to meet him in the faculty. Thank you. Hello everyone, my name is Mohit Singhal और मुझे सर की क्लासेस का YouTube चैनल से पता लगा था. जो सर का Social Indian चैनल है उसके थ्रू मुझे सर की वीडियोज का पता लगा था. देन मैंने उसे ज्वाइन करा और मेरे सारे डाउट्स क्लियर हैं. सर जो एग्जाम्पल देते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं और जो सर के एग्जांपल्स हैं उसमें हमारे फैक्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं. देन उसके बाद जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो सर हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं. जो हमारी करंट की सिचुएशन चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग सर उसको रिलेट करते हैं. थैंक यू सर. वन, माय नेम इज जागृति तिवारी. आई गॉट टू नो अबाउट दिस क्लास फ्रॉम अ व्हाट्सएप ग्रुप दैट इज मिशन एडमिशन 2. वेल, दिस रिव्यू वीडियो इज फॉर 2 पीपल. फर्स्ट इज आवर मेंटर एंड सेकंड इज फॉर दोस एलएलबी एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2020 एंट्रेंस एग्जाम. Well, I would like to say, just come and join. You get to learn through fun. Because he relates all topic and all section to our day-to-day life examples that become very easy to understand. Especially for students like us who have completed our graduation in a different field and now we are going to appear for LLB and I would say law. So that become very easy to understand. And for our mentor, I would like to say bunch of thank you actually. I cannot say anything more than that. Bunch of thank you. Just keep it up. Hey, I am Aniket. Here I am sharing my personal experience of the online class that I've taken from Aditya sir. He is teaching very well. His method is nice. He connects the students very well with his good sense of humor. Personally, I have no problem. Sir, this is Akansha Yadav. I would like to thank you for this wonderful online session you provided for us. And of course, first मेरे को ये बताना है कि मैं कैसे आई इस online class के through. Like, I was just scrolling or searching on YouTube that कि कैसे prepare करें, what are the subjects and how, what topics it's cover on YouTube. And I came through your video. एंड उसमें मैंने एक वीडियो देखी जिसमें आपके प्रीवियस 5 बच्चों के रिव्यूज़ थे. एंड आई वॉज मच कन्विंस्ड विद दैट रिव्यूज़ ऑफकोर्स. एंड देन आई डिसाइडेड टू टेक दिस ऑनलाइन क्लासेस. बट मुझे एक डाउट था दैट आई हैव टू अपीयर इन 2021. तो मुझे इतना अर्ली स्टार्ट करना चाहिए, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर मी और नॉट, लाइक कि अगर मैं भूल गई कॉन्सेप्ट अभी पढ़ के एंड ऑल करके. तो आई हैड अ डाउट. तो आई सॉ योर नंबर इन डिस्क्रिप्शन एंड देन आई मैसेज्ड यू अबाउट टू फॉर क्लियरिंग दैट डाउट्स. एंड यू मैनेज्ड क्लियर माई डाउट सो वेल. एंड देन आई डिसाइडेड टू टेक दिस ऑनलाइन बैच एंड इट वॉज वेरी गुड फॉर मी. नाउ माई कॉन्सेप्ट आर वेरी क्रिस्टल क्लियर. आई एम वेरी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी वेल. एंड अब मैं जब उसे पढ़ना स्टार्ट करूँगी विद कॉन्सेप्ट इट वुड बेनिफिट मी अलॉट. एंड ऑफकोर्स आई ऑल्सो टू क्योर दैट PDF ऑफ मैथ्स इंग्लिश. एंड उसमें जो द वे ऑफ उसमें जो डिस्क्राइब किया है इंग्लिश, जो जिस तरीके से द लैंग्वेज इज़ वेरी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. एंड ऑफकोर्स आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ मैथ्स एंड इंग्लिश की भी क्लासेज ऑनलाइन स्टार्ट करो. थैंक यू. एम भविष्य एंड आई जस्ट वॉन्ट टेल दैट सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, काफ़ी टॉपिक्स क्लियर हुए हमारे. और कई स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि काफ़ी स्लो चल रही हैं चीज़ें और काफ़ी मतलब समझने में दिक्कत आएगी ऐसा लग रहा था आगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे आगे चलते रहे वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होती रहीं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी टॉपिक्स क्लियर हो गए कि काफ़ी हमारा सिलेबस भी कम्प्लीट हो चुका है. सो बस काफ़ी अच्छा लगा. थैंक यू. हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा यदुवंशी एंड मुझे इस कोर्स के बारे में यूट्यूब से द सोशल इंडियन चैनल के थ्रू पता चला. और ये कोर्स लेने से पहले मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं थे, डाउट्स भी बहुत सारे थे. बट आफ्टर टेकिंग द क्लासेस अभी सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं. और सर, जिस तरीके से आप हमें एग्जांपल्स में इन्वॉल्व करके हमें कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो वो बहुत अच्छे से समझ में आता है. सो थैंक यू सो मच सर
for this course. Thank you so much. Hello sir, my name is Kuljit Singh Yadav. सर मैंने जब लॉ एंट्रेंस का सोचा था तब सर मेरे लिए जिस सेक्शन में सबसे ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे वो था लीगल एप्टीट्यूड का, बट सर आपने ये सेक्शन जिस आसानी के साथ और जो हंसते खेलते हुए और जो आपने जो रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ जो ये सेक्शन हमें समझाया है, अब ये सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान लगने लगा है। एंड सर आपने इसमें हमें सेक्शंस भी बताए कि कौन कौन से सेक्शन आपको देखने ही देखने हैं, तो सर उससे हमारा जो लोड था पहले कि हम पहले ये सोचते थे कि हमें कौन से सेक्शन देखने हैं, तो सर वो भी लोड काफ़ी हद तक कम हुआ और बहुत हेल्प हुई। तो सर थैंक यू सो मच, एंड आपकी ये जो ऑनलाइन क्लास है ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, सो सर थैंक यू सो मच सर। Today I want to share my views about online classes given by our respected sir, who always ready to help his or her students at any time. These classes really proved helpful to me and builds my confidence a lot. Thank you sir for teaching us and giving me a lot of guidance and knowledge about DU LLB entrance exam. सर मेरा नाम प्रदीप सिंह है, मैं पानीपत शहर हरियाणा से हूँ, और सर मुझे आपसे क्लास लेके बहुत अच्छा लगा, और सर आपको पढ़ाने का तरीका ही बहुत अच्छा है, जिस तरह से आप स्टूडेंट्स का नेम इंक्लूड करके उनको एग्जांपल देते हो, चाहे वो बातों बातों में किसी क्वेश्चन को समझाना हो। और सर मैं इस क्लास में आने से पहले मेरी लीगल जीके और लीगल रीजनिंग की नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो थी, बट मैं अब कह सकता हूँ कि मैं अब 90% तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। और सर मुझे तो ऐसा लगता है बस हमारा काम तो बस स्क्रीन के आगे बैठना है, बाकी सारा काम आपका है, कैसे समझाना है, कैसे याद दिलवाना है। सर पढ़ाने के लिए हमको थैंक यू। हाई, माई नेम इज़ ममता। I got my DULLB entrance classes from the Social Indian. I got this information through their YouTube handle. They uploaded a video or so, and then I got this information. And I texted him directly because firstly I was very reluctant that how our class is going to be. I enrolled for the classes then, and this is the seventh day, and I feel very confident that at least I can do 80-90% of the legal aptitude, whether it be legal aptitude or legal reasonings questions. And legal reasonings, and these are the main part for the DULLB entrance or any law entrance. So I used to text him directly when I had any doubt, and he used to clear it very. Like if I have texted him at 8, I used to get the reply at 9 or 10 p.m. Like in an hour you can get the reply. He's very quick in giving and explaining the questions and everything. And also he used to discuss the landmark judgments in such a way that you can easily remember them. And I really like the way he teaches and appreciates that they are so affordable. And just want to thank him for the classes. Thank you. So hello guys, my name is Ritima, and I came to know about the course of this legal aptitude on YouTube channel Social Indian, and trust me, it's really good, really helpful. And you should also enroll for the course, because earlier I was having a lot of doubts regarding the legal portion, but after enrolling into that and the way Adit sir teaches is so good, like I'm thankful to him that he teaches each concept so well that it fits in my brain. Like I got cleared of lot of doubts, and he gives the examples which are really 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 helpful and easy to understand. And thank you so much. You should enroll for the course if you are a DULLB parents and you are having a lot of doubts in the concept. Thank you. Hi, this is Saurabh, and I just want to say that sir, your class is really nice, and you clear my lots of doubts which is I having when I'm studying without any help. And your teaching skill is really nice. You teach us like as a friend, so I really admire that. Thank you. Hi, मैं पल्लवी। सर मुझे आपकी क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आप बहुत ही यूनिक पढ़ाते हो सर। आप जैसे हर छोटी छोटी चीज़ को एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हो, वो सर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। थैंक यू सो मच सर हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए। हेलो, आई एम सोनम एंड आई एम प्रिपेयरिंग DULLB 2020।
एंड मैं आदित्य सर की ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ एंड वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि 750 रुपये में कोई इतना अच्छा पढ़ा सकता है। वो इतने अच्छे से लाइव एग्जांपल्स देते हैं और सबको वन बाय वन पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि रियली लगता नहीं है कि वो हमारे सर हैं। बिल्कुल लगता है कि जैसे कि हमारा कोई फ्रेंड है जो क्लास ले रहा है और हम बस इंजॉयमेंट में उन किसी के साथ पढ़ रहे हों। और रियली मैं इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि जब मैंने क्लास ली थी उससे पहले और अब, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझमें 100% क्लियर करने की एबिलिटी आ गई है, क्योंकि वो तो आदित्य सर भी कहते हैं कि कोई 100% नहीं होता और कोई 0 नहीं होता। तो जो भी आदित्य सर कहते हैं, इट्स द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड रियली। हेलो फ्रेंड, इट्स वेद प्रकाश इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले मैं तो सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे लीगल एप्टीट्यूड और लीगल स्किल के क्लासेस प्रोवाइड करवाए हैं। सर का पढ़ाने का भी बहुत ही अच्छा है, एग्जाम्पल वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं, कुछ एग्जाम्पल मूवी वगैरह से भी इंटरेक्ट करवा देते हैं तो जल्दी अच्छा से समझ में आ जाता है। सर का नेचर बहुत ही फ्रेंडली है, आप कुछ भी उनसे पूछिए तो बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होता है उनके क्लासेस में, जिसके चलते सर को भी पता चलता है कि सर आप लोग कितना समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। और डॉट सेशन भी सर बीच में रख देते हैं कि जिसके चलते अगर आपको कोई भी डॉट आ रहा है आज के सेशन में या पिछले सेशन में, तो आप उसमें भी सर से आप पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो। और सर असाइनमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ लीगल असाइनमेंट वगैरह हो गए हैं जिसको प्रोवाइड कराते हैं, कुछ असाइनमेंट देते भी हैं कि आप लोग कल घर से करके आइएगा। और ओवरऑल मुझे सर का क्लास बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू फॉर सर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। Hello everyone, my name is Vivek Mishra. I have joined TSI online classes. I find it really interesting. Sir really explained everything so friendly and clearly. Thank you sir for helping me out in such a difficult topic.